सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और गाइस यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही नॉलेजेबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इसको स्किप कर देते हो ना तो सच में बता रहा हूँ यार पबजी मोबाइल की लेटेस्ट न्यूज़ को आप मिस कर बैठे हो। जी हाँ गाइस, पबजी मोबाइल की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ सामने आई है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप एक पबजी लवर हो तो। ठीक है, अब गाइस अगर आप पबजी लवर हो ना, इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर से करना, क्योंकि इतनी खुशखबरी इतनी अच्छी यहाँ पे न्यूज़ में आप सभी को बताने वाला हूँ ना, बहुत ही यार आप सभी को मज़ा आने वाला है। तो गाइस यार आप सभी को पता है कि 8 सितंबर को एक न्यूज़ आया था कि पबजी मोबाइल कोई इंडियन पार्टनर्स ढूंढ रहा है जो उनके गेम्स को है ना यहाँ पे वो है ना कुछ उसकी जो भी शेयर्स वगैरह है वो वहाँ पे पार्टनरशिप ले ले। तो गाइस यार आप सभी को पता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे न्यूजेस में ये आ रहा था कि इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी यानी कि रिलायंस जियो पार्टनरशिप लेने वाला है, लेकिन इसका कोई भी हम लोगों के पास प्रूफ नहीं था और कहीं पर भी हम लोगों को है ना ट्रस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन गाइस यार आज है ना, अगर आप इंटरनेट पे जाते हो और इंटरनेट पे जाने के बाद अगर आप लोग पबजी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज या फिर पबजी एंड रिलायंस जियो की पार्टनरशिप के बारे में सर्च करते हो ना, तो यार आप सभी को ऐसे वैसे वेबसाइट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट में आप सभी को न्यूज़ देखने को मिला है कि बहुत ही जल्द रिलायंस जियो पार्टनरशिप कर रहा है किसके साथ, पबजी मोबाइल के साथ। जी हाँ गाइस, ये न्यूज़ सामने आ रहा है, लेकिन गाइस अभी तक पबजी मोबाइल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि ये सच है या झूठ है, लेकिन जो भी आर्टिकल्स आ रही हैं और इतने सारे ट्रस्टेड आर्टिकल्स है ना, आपको यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ, तो यार इतने ट्रस्टेड वेबसाइट में आया है तो हो सकता है ये सच हो। ठीक है, अब गाइस एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों आप सभी को ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। आप सभी को पता है अगर इंडिया का कोई भी कंपनी है ना, इंडिया का कोई भी कंपनी अगर पबजी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप करता है तो आप सभी को पता है कि पबजी फिलहाल तो बैन है इंडिया पे, प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। लेकिन अगर इन केस मान लो रिलायंस जियो ने पार्टनरशिप कर लिया पबजी के साथ, तो गाइस यार आप सोच नहीं सकते पबजी मोबाइल बहुत ही जल्द यानी कि यूं ही हमारे है ना प्ले स्टोर पर आ जाएगा और हमें कोई भी टेंशन या फिर मतलब कि टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और इंडियन अथॉरिटी ने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस का आंसर पूछा है पबजी मोबाइल को, जो कि अभी तक कोई भी पबजी की तरफ से इसके स्टेटमेंट नहीं आया। अब गाइस मैं आप सभी को और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ दिन और लगेंगे पबजी को वापस आने में के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पबजी को तलाश है एक इंडियन कंपनी के लिए और दूसरा जो है 70 क्वेश्चंस का आंसर करना है इंडिया अथॉरिटी को। तो गाइस सर ये दोनों चीज़ करने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, तो यार कोई बात नहीं यार, पबजी तो प्ले स्टोर से हटाया गया है फिर भी अगर आप इसको शेयर कर रहे हो तो शेयर करके अगर आप इसको है ना खेल रहे हो तो ये बहुत ही ईजीली प्ले हो रहा है और हम सभी ने भी इसको शेयर करके लिया है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिंदास पबजी खेल सकते हो, लेकिन 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 आप कोई भी वीपीएन यूज़ ना करो। अगर आप वीपीएन यूज़ करते हो तो इस वक्त आपका हेल्प कोई नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी इंडिया पे पबजी बैन होके पड़ा है और इनकेस आपका 10 साल के लिए है ना बाय मिस्टेकली अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो आप सभी तो उस अकाउंट को खो बैठोगे, यानी कि आपका अकाउंट आने में बहुत ही सालों लग सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था मेरे पास जो आप सभी को प्रोवाइड करना था। होप कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और खेलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।